तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, वेलकम टू ड्रोन से डॉक्टर वंस अगेन। और अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशन एंड टेक विच आई यूज। सो दिस वीडियो इज फॉर DJI। एक ड्रोन लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि DJI इज प्लानिंग टू मेक रेडी मेड, मतलब रेडी टू यूज आउट ऑफ द बॉक्स DJI FPV ड्रोन। जी हाँ, तो क्या होता है FPV ड्रोन, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, काफियों को आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देख लें। और क्या कर रहा है DJI, क्योंकि एक डिज़ाइन सामने आया है जिससे पता लग रहा है कि DJI इज वर्किंग ऑन सच अ थिंग, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और फिर आपको बताऊंगा फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। और एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे कि होता क्या है, कैसे ये डिफरेंट है। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली FPV क्या होता है, FPV होता है फर्स्ट पर्सन व्यू। अब हमारे पास जो ड्रोन है, जैसे DJI का हमारे पास मैविक एयर है, DJI कितने हमारे पास ड्रोन है, मैविक एयर, मैविक प्रो, वो सब आपके पास भी है, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए उसको यूज करते हैं उसमें। और अब मैं जो बात कर रहा हूँ FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन में क्या फर्क है सबसे बड़ा, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि ये जो है, ये है हमारे पास लग्जरी कार्स जैसे होती है ना, जो बड़े प्यार से चलाई जाती हैं, लाइक मर्सिडीज एंड ऑडीज, जो A4 A6, इनमें आप बस लग्जरी फील करने के लिए आराम से बैठते हैं या चलाते हैं उसको। अब कुछ गाड़ियां होती हैं जैसे फिरारी, समझ रहे हैं, जिसमें आपको थ्रिल फील होता है। तो बस वही डिफरेंस है मेनली एक FPV ड्रोन में और एक DJI के आम ड्रोन में। उसमें क्या होता है, उसमें वीडियो फुटेज एक तो नॉर्मली वो रिकॉर्ड करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आपको एक कॉकपिट व्यू मिलता है, क्योंकि उसमें आप FPV गॉगल्स डालते हैं जिसकी मदद से जो वीडियो ट्रांसमिशन ड्रोन देख रहा है, जो एक्चुअल में ड्रोन देख रहा है, वहां पर कॉकपिट का व्यू आपको दिखता है। और ऐसे फील होता है जैसे आप किसी बहुत ही तेज लड़ाकू जहाज में बैठे हैं और उसको दबा के घुमा रहे हैं, तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलता है FPV ड्रोन से। और वो DJI के जो ड्रोन्स हैं, स्टेबलाइज ड्रोन है, GPS वाले, उसको उड़ाना और इनको उड़ाना में बहुत फर्क है, क्योंकि वो ऐसे एक जगह पे आप अगर आसमान में खड़ा कर दिया, जैसे आप ये मैविक एयर वगैरह तो खड़े हो जाते हैं, आप होवर करवा लेते हैं GPS की हेल्प से, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको कंट्रोल करना पड़ता है, खुद होवरिंग होती है उसमें, लेकिन ऐसी बिल्कुल इस तरह की नहीं होती। ड्रोन कंटिन्यूसली मूव करता है, बहुत स्पीड से चलता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तभी थ्रिल आता है उसमें, और जब आप फील करते हैं उसका लगी ठंडा। तो ये वीडियो का मेन मोटिव ये है कि अब तक क्या हो रहा था कि लोग FPV ड्रोन बनाते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ बनाने की। तो कमेंट बॉक्स में लेके आप चाहते हैं इस चैनल पे FPV ड्रोन मैं आपको बना के दिखाऊं, और कैसे बनाया जाता है ड्रोन, बेसिक थिंग तो सेम ही है, तो वो आपको इफ़ यू वांट ऑन हाई डिमांड, कमेंट्स में बस बहुत सारे आने चाहिए, तभी मैं उसको सोचूंगा, क्योंकि पार्ट्स लेने पड़ते हैं उसके लिए और फिर वो ड्रोन की बिल्डिंग होती है, तो सारा आपको दिखाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो अब तक ऐसे ही हो रहा था कि इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, जो FPV ड्रोन्स खुद बनाए जाते हैं, खुद बिल्ड करते हैं, सारे पार्ट्स लेते हैं, उसमें 4-5 पार्ट होते हैं, इसमें अगर ड्रिल में वीडियो चाहिए तो आप बताएं, मैं पार्ट्स के बारे में बता दूंगा। तो फिर वो बनाया जाता था। तो इस बीच में DJI ने आज पिछले साल, या मेरे ख्याल साल हो चुका है या साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो DJI ने एक FPV किट निकाली थी। उस किट में कुछ पार्ट्स थे जो FPV में यूज़ होते हैं, मतलब एक उसमें वीडियो फ्लाइट कंट्रोलर था, और एक आपको जो वीडियो ट्रांसमिशन, बेसिकली डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन, अब तक जो पहले वाले जो नॉर्मल FPV ड्रोन्स हैं जो हम बनाते हैं, जो कि 10,000 15,000 20,000 में बनते हैं, उसमें डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं था, वीडियो का एनालॉग था, और वो बड़ा क्लियर नहीं होता था। तो DJI ने क्या किया, एक किट बना के दी जो अवेलेबल है अभी,
जिसको आप यूज करके डिजिटल सिग्नल बहुत क्लैरिटी बना ले सकते हैं। लेकिन इस किट को यूज करने के लिए स्टिल आपको एक ड्रोन बिल्ड करना पड़ता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास ये आते हैं ड्रोन्स, इसको खोला और उड़ाने शुरू कर दिया, इस तरह का सिस्टम नहीं था अब तक। लेकिन अब DJI भी प्लान कर रहा है इस तरह का ड्रोन बनाना, ताकि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो अपना बिल्ड नहीं करना चाहते हैं ड्रोन, उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, कई काफ़ी लोग हैं वो चाहते हैं हमें DJI का FPV ड्रोन उड़ाना है राइट आउट ऑफ द बॉक्स, हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना, हमने किसी बिल्डिंग ड्रोन की बिल्डिंग नहीं करनी है, फिर उसमें वो किट नहीं लगानी है और फिर यूज़ करें, इतना तामझाम में हम नहीं पड़ेंगे। तो उन कंज्यूमर्स के लिए, और ये ऐसे कंज्यूमर्स बहुत हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि रेडी टू फ्लाई, टाइम की कमी है सबके पास। वैसे आई लव टू डू दैट, मैंने अपना कंप्यूटर भी बिल्ड किया है, मुझे ऐसी चीज़ें करना पसंद है, बट स्टिल इट ऐसी चीज़ें टाइम रिक्वायरमेंट, मतलब टाइम लगता है। तो उनके लिए DJI ने प्लान किया है, वो आपको दिखाने वाला हूँ डिज़ाइन, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको DJI FPV एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे दूसरे ड्रोन्स आते हैं DJI वो बिल्ड भी खुद करके देगा और उसमें अपनी FPV किट लगा के आपको रेडी टू फ्लाई ड्रोन मिलेगा। तो उसमें आपने उड़ाना है और DJI FPV का फुल मज़ा उठाना है विदाउट एनी टेंशन। तो ये सबसे बड़ा USP होने वाला है, टेंशन क्या उसको बिल्डिंग करने की, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले आपको फ्रेम ढूंढना पड़ता है, फिर उसके ऊपर उसमें जो पार्ट्स आते हैं ESC वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, फिर मोटर्स सेलेक्ट करें, जैसे हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स आते हैं वैसे अलग अलग पार्ट्स आपको लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो ये 10,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000 तक भी आपके पार्ट्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद FPV उसमें किट लगाई जाए DJI की, फिर उसको सॉफ्ट मतलब उसको बीटा फ्लाइट कंट्रोलर पे उसको वो करना पड़ता है पूरा, मतलब तामझाम उसका, पूरी सेटिंग वगैरह वहाँ से होती है, देन वो उड़ाने के काबिल होता है इतने तामझाम के बाद। और उसमें अगर गिर गया, क्योंकि FPV ड्रोन गिरना है ही है क्योंकि काफ़ी फास्ट और ऐसे स्टेबलाइजेशन इतनी नहीं होती है उसमें, तो गिरेगा फॉर श्योर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया फिर से इंजन जटों में पड़ो। पर इसका फ़ायदा है कि जब आप अगर खुद का बनाते हैं FPV ड्रोन, आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाता है कहाँ पर प्रॉब्लम है और आप वो पुर्जा बदल के उसको फिर से ठीक कर पाते हैं। तो उसका ये एडवांटेज है, खुद बनाने का एडवांटेज हमेशा होता है, आपको नॉलेज मिलती है किस तरह से ड्रोन बनता है और ये सारा कुछ, तो उसके अलग एडवांटेज है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DJI FPV ड्रोन की, नॉट द किट। तो वो प्लान कर रहा है और आई थिंक कुछ एक 5-6 महीने में वो DJI FPV ड्रोन आ जाएगा, उसमें बस बॉक्स में से उसको निकालना है, इट इज़ रेडी टू फ्लाई। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये DJI का FPV ड्रोन का डिज़ाइन हमें मिला है एंड इसकी रेंज ऑलमोस्ट 3 इंच के प्रोपेलर्स होंगे इसमें, 4 किलोमीटर की रेंज है इसमें और HD वीडियो ट्रांसमिशन करेगा, GPS भी इसमें डाल रहे हैं ताकि इजी थोड़ा हो जाए FPV ड्रोन का एक्सपीरियंस, और फ्लाइट मोड एक्रो एटी पोजीशन, ये जो मोड्स हैं ये मैनुअल मोड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये एक्चुअल में FPV ड्रोन उड़ता है, इसमें आपको कॉन्टीन्यूसली अपने हाथ कंट्रोल पर रखने पड़ते हैं तभी आप उड़ा पाएंगे, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं GPS डाल के इसको थोड़ा इजी करने के लिए, और ये अभी ही डिज़ाइन लीक हुआ है और इसमें ये गिम्बल की भी प्रोविज़न कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा और स्टेबलाइज हो जाए। तो दिस इज़ द पॉसिबल लीक एंड आई वी थिंक सो DJI FPV ड्रोन बनाने में लग गया है। तो क्या होगा इसका फ़ायदा? तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो इन ड्रोन्स को फायदा, आप देखिए इस फुटेज में, ऐसी फुटेज सिर्फ FPV ड्रोन ही आपको दे सकते हैं और बहुत अमेजिंग लगती है। FPV ड्रोन की फुटेज जो देख लेगा ना वो दूसरी फुटेज को भूल जाएगा, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स FPV ड्रोन निकालते हैं उस तरह का शॉट आम DJI का ड्रोन नहीं निकाल सकता। सो इट इज़ फिरारी, तो फिरारी का चलाने का और ही मज़ा है। तो यही है आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा एंड होप सो। आप क्या सोचते हैं DJI FPV ड्रोन के बारे में, एंड डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया बाय DJI टू मेक देयर ओन रेडी टू फ्लाई DJI FPV ड्रोन
आप बताएं कमेंट्स में, तो डिस्कशन थोड़ा हो जाएगा। बाकी ड्रोन बिल्ड का आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अच्छे तरह से कमेंट्स आएंगे बहुत सारे, तो मुझे पता लगेगा डिमांड है वीडियो की, तभी बनाऊंगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, मुझे पार्ट्स लेने पड़ेंगे, तो मैं तभी करूंगा जब आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड होगी। अगर सब्सक्राइबर्स चाहेंगे तभी होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, तो शेयर कर दें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि काफ़ी लोगों को पता लगे इस न्यूज़ के बारे में। एंड बाकी मोबाइल फ़ोन जो एंड्रॉयड की हमारी डिस्कशन चल रही है, जिसको जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो प्लीज़ उसमें मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम सुन के आई वर्क ऑन दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।